तो गाइस आज बजे 7 और ये पहली बार है कि मैं 7 बजे रूम पे आया हूँ। सुबह सुबह पानी है बहुत जम के, क्योंकि आपको कैसा लगा वो रूम पे आया हो? तो कहाँ से, मैं 750 किलोमीटर दूर चलकर रूम पे आया हूँ यार, और आया हूँ सूरत में। और मैं देख रहा हूँ लोग, अब मैं अगले 5 मिनट से इस दरवाजे को खटखटा रहा हूँ, लेकिन अंदर सोने वाले सब इधर घोड़ा बेच के सो रहे हैं कि रूम खोलने का नाम ही नहीं ले रहे। चलो मैं फिर से ट्राई करता हूँ। तो गाइस बन रही आज मेरे साथ, मैं हूँ सूरत और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और नए हुए चैनल पर लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा फिलहाल मिशन है दरवाज़ा खुल के अंदर एंटर करना। और गाइस अभी तो ज़ोर से नहीं है, धीमा धीमा है, इसलिए ना मैं वीडियो को शूट नहीं कर पा रहा हूँ। देखो मेरा पोस्टर बना के रेडी था मेरा, मैं अगर आता ना तो रेलवे स्टेशन से शूट करके आता, लेकिन मैं नहीं कर पाया। और आज मैं जल्दी आया गया इस कारण क्योंकि हमारी ट्रेन ना सूरत से कहीं दूर जाने वाली है, तो वहाँ से 2 बजे लौट जाइए। 2 बजे तक मैं ट्रेन में क्या करता, भूखा प्यासा कुछ काम था नहीं, बाहर निकल नहीं पाते, इसलिए मैं रूम पे आ गया काम छोड़कर। 2 बजे के बाद काम देख लेंगे। फिलहाल आज मेरा कपड़ा भी सूख गया गाइस, देखो ये 2 दिन के टंग रही हैं फिर। देखो कल नहीं परसों की, परसों धोके डाला था भैया। हेलो, यहाँ से अंदर देख भी नहीं सकते यार, क्या कर रहा है क्या नहीं। भैया गेट खोलो, घोड़ा बेच के सो रहा है, पता नहीं कौन है सर अंदर कौन। भैया गेट खोलो। 2 तरीके लो, देख ये अंदर से लोग भी कर रखा है ताला मार के, इसकी चाबी मेरे पास है लेकिन इसको खोल के क्या करूँगा, तब ये भी नहीं खुलेगा तो। हेलो कौन है यार, अभी समझ नहीं रहा इतना कौन सोता है। हेलो भैया कौन है अंदर, गेट खोलो, ऐसा कौन सोता है यार। सुबह हो गए 7-8 बज गई 8। हेलो क्या यार, कौन है अंदर? हेलो भैया गेट खोलो यार। भैया बैग टांगा है पीछे, वजन लग रहा है, गर्मी लग रही है, ताकि कब अंदर हूँ, कपड़े वपड़े चेंज करूँगी, बुर्ज खलीफा पहन के अजीब सा लग रहा है थोड़ा, इसलिए। भैया ऐसे कौन खड़खड़ाता है यार मुझे भी। मुझे बुरा लग रहा है, पीछे वाले रूम वाले निकल आएंगे कि ये क्या फट 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 कर रहा है, और ये जो उठने का नाम नहीं ले रहा भैया यार हमारे। हेलो चलो नहीं उठ रहा था, इसको खोलता हूँ तब तक। चलो A few moments later. यहाँ से कुछ भी नहीं, मैं यहाँ से भी बोला फिर इधर से बोला, मैंने कहा इतना जल्दी कौन सोता है सर, तो अभी हो गए नहीं इसका अंदर, क्योंकि वो 9 बजे आते हैं। तो गाइस फाइनली रूम का गेट खुल चुका है, और रूम कितना चकाचक है हमारा। देखो ये सोफा लगा रखा हुआ है हमने, और यहाँ पे हमारा बिस्तर होएगा। अब इस ड्रेस को मैं चेंज करता हूँ बुर्ज खलीफा के एकदम। मेरे कितने सारे पोस्टर है देखो रूम के अंदर, ये सब आज मतलब इनको व्यवस्थित ढंग से जमाना है पूरे पोस्टर को एक के ऊपर फोल्ड करके, ताकि ना रूम में साफ़ सफाई भी दिखे और कचरा जैसा ना लगे, तो इसको जमाना है। और फिलहाल आज कुछ बाज़ार में भी जाना है, एक ऐसा पेंट लाने की सोच रहा हूँ मैं, लाने की सोच नहीं रहा हूँ, लेके आना ही पड़ेगा चाहिए। हाँ और पर ये फट जाता है यार यहाँ से, देखो ये नहीं लाऊँगा, देखो ये इसका एक सेकंड क्या सीन बन जाता है नीचे से। ये नहीं लाऊँगा भाई। तो फिलहाल चलो मैं गेट अपना चेंज करता हूँ, इसके बाद में आपको मिला था तक बाय। तो ये गाइस देखो पावर बैंक पास में ही है, चार्ज लगाया है, और अभी मैं कम से कम आधा घंटा से बैठा हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए, लेकिन वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं 6ठे फ्लोर पर बैठने के बाद भी जियो का 5G नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, यहाँ पर वीडियो अपलोड है ओनली, एक इमेज डाउनलोड नहीं हो रही है। अब इमेज को मैं वहाँ पर लगाऊंगा, टेक टाइटल डालूंगा, उसके लिए चार्ज नहीं मिल रहा। वो सही बात है ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया ना मिले और फल ला गया कि दूर, सेम वही हाल हो गया गाइस, क्या बताऊँ। अभी कितनी देर का बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ आधा घंटे, लेकिन वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। देखो ट्रैफिक बताता हूँ नीचे का, और मैं सोच रहा हूँ ताकि ये पानी बंद हो जाए ना तो मैं नीचे वीडियो को शूट करने भी जाऊँ, लेकिन ये पानी गेम बजा देगा। देखो कितना पब्लिक तो है सूरत के अंदर, तो सब पब्लिक ना रहे ऐसा हो ही नहीं सकता है, हर वक्त ये ट्रैफिक लगा रहे, तो देखो दूर दूर तक ये ट्रैफिक देखो ना ये। लेकिन है ना यहाँ पर आदमियों से ज़्यादा तो गाड़ियों की संख्या दिख रही है आपको, देखो ये सामने वाली बिल्डिंग देख रहे हो कितना आलीशान बिल्डिंग है, देखो पूरा कांच ही कांच, यानी कि इतना बेहतरीन कांच के पलट के होटल भी दिख रही है सामने वाले, और उधर देख रहे हो तो इंटरनेशनल होटल, भाई जलवा है जलवा सूरत के अंदर।
गरीब लोगों के लिए नहीं है सटी, अमीर लोगों के लिए। गरीब लोग तो भाई बड़ा पाव खा के अपना दिन को तैयार कर सकते हैं, बड़ा पाव खा सकते हैं, बाकी होटलों के अंदर तो बहुत महंगाई है। तो गाइस मैं और ट्राई करता हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ, इसके बाद में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। A few moments later. So hey guys, हमारे रूम में रहते हैं एक रनिंग रूम के सुपरवाइजर, तो मेरे लिए खाना लेके आई, आप देख सकते हैं क्या मस्त पराठे लेके आई और सब्जी थी करेला और साथ में क्या थे मेरे को भी पता नहीं, मिर्च भी रख लाए, अचार भी है साथ में और नमक भी है साथ में। खाना का टेस्ट गाइस बिल्कुल घर जैसा था, मैं बहुत खुश हुआ। और चलो देख आपको सुपरवाइजर दिखाता हूँ, तो अभी ये सो रहे हैं जैसे कि घोड़ा बेच के सो रहे हैं जम के, क्योंकि नाइट ड्यूटी करते हैं पूरा इसलिए। तो एक बार सर के लिए दिल से थैंक यू, क्योंकि घर जैसा खाने का मौका मुझे अभी मिल जाएगा, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। सो गाइस आपको देखकर हैरानी होगी कि डार्क लिफ्ट में क्यों और अचानक 3-4 घंटे क्यों गायब थी। मैं जा रहा हूँ चाय लेने के लिए, चाय सर को पिलाता हूँ, इसके बाद में आपको पूरी खानी सुनाऊंगा। क्योंकि आ गया हूँ मैं नीचे 2-3 फर्स्ट फ्लोर पर, अब नीचे पब्लिक रहेगी, इनके सामने ज़्यादा बड़बड़ बोलना नहीं चाहिए, इसलिए आपको मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए बाय बाय। यू भाई चाय पार्सल करा ली, अब इसको ले जाता हूँ मेरे मुकाम पे। बाहर का नज़ारा देख रहे हो आप कैसा है, बिल्कुल अटूट पब्लिक है, सबको अपनी अपनी पड़ी है, और मौसम तो ऐसा है जैसे मैं वीडियो भी नहीं बना सकता हूँ। तो फिलहाल तो मैं चाय लेके चलता हूँ, नहीं तो लोग भिजा देंगे मेरे को। देखो नीचे रोड कैसा जय भाई, सूरत का रेलवे स्टेशन के सामने का जस्ट जगह है और मैं रहता हूँ इस होटल में। देखो बाहर से कैसा दिखता है, जाने के मैं कितना बिंदास रहता हूँ, चलो अंदर से दिखाता हूँ। यहाँ से हमारा जाने का रास्ता है, देखो रास्ता अच्छा है, ओनली रास्ता है अच्छा। सामने रेस्टोरेंट है लेकिन महंगा है, और ये हमारी गली है इधर से। देखो मैं जाता हूँ जल्दी ताकि ये हमारी चाय ठंडी ना हो जाए। अब ले लेते हैं हम न्यूटन, और भाई लिफ्ट 5वें नंबर पर पहुँच गई है, नीचे आना पड़ेगा वापस इसको। इमेज करो कितना दुख होगा जब मैं आ गया जस्ट एक इस पे आने वाला था, इतने में एक व्यक्ति इसमें आ गया और आके ऊपर चढ़ गया। सोचो मैंने कितने इंतजार करा, मेरी चाय ठंडी होने वाली है, इसका स्वाद भी डर जाएगा फिर फिर वापस लिफ्ट नीचे आए तब मैं इसमें चढ़ा, तब जा रहा हूँ, और ये 5 और ये आ गया 6। अब निकलता हूँ यहाँ से। तो गाइस ये है पतली सी गली, इससे निकल कर जाते हैं हम, और सर का फोन आ रहा है आज, मैं बात करता हूँ आपसे बाद में मिलता हूँ। तो देखो नीचे का कुछ रास्ता ऐसा है, बात कर लेता हूँ पहले। गाइस रूम को छोड़ दिया है, बैग टी शर्ट और पोस्टर ले गया, निकल चुका हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए। देखता हूँ पब्लिक रहती है तो पब्लिक शूट करूँगा, रिएक्शन करूँगा, उसके बाद में ट्रेन में पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मेरा वहाँ जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर काम बचा हुआ है, तो काम करता हूँ फिलहाल, वीडियो को शूट करूँगा तो देखता हूँ, नहीं तो फिर चलता हूँ सीधा काम पर। बाय बाय। और इसको चाय पिलाया, बड़ा मज़ा आया। लिफ्ट अभी 4 नंबर पर, इसको 6 नंबर पिलाना पड़ेगा। तो चलता हूँ गाइस, नहीं तो पूरा दिन निकल गया, पता चला सोने में निकल गया यार। सुबह शायद मैंने एक मूवी देखी थी जिसका नाम था रेमो, अगर आपने भी देखी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कैसी मूवी है। बहुत दिन में देखी, कम से कम मैंने 4 महीने में आज मूवी देखी होगी, अल्टीमेट मूवी थी यार गाइस बहुत। पर लेकिन अपनी खुद की फिल्म बनी हुई है और सारा फिल्म देखने में मज़ा कम आता है अभी। कभी देखेंगे थिएटर में जाकर जब पैसे वाले हो जाएंगे तब। भगवान कैसे दोस्त बनाए यार, कितनी देर से गेट कट कर रहा हूँ, गेट नहीं खोल रहा है अंदर वाला। इधर से गाड़ी आ गई, देखो पीछे से गाड़ी आ रही, डर लग रहा है, देखो गाड़ी तो खाली लेकिन लग डरता है यार, डर लगता है ना। जो अंदर में मिस कॉल मार रहा हूँ 3-4 बार, वो 4 बार मिस कॉल मिल रहा है, पता नहीं यार क्या पहुँचा है क्या नहीं, समझ में नहीं आता यार। भाई गेट खोलो एक बार, वो ट्राई करता हूँ। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है, मौसम और यहाँ पर पानी आने की संभावना है, और इसी में हम कराने जा रहे हैं अभी ऑन ड्यूटी। और आज तो गाड़ी में 4 लोग हैं और 9 ऐसी कोच के साथ, थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ा सा मस्ती करेंगे और थोड़ा सा डांस करेंगे, ऑन ड्यूटी कराते हैं। मौसम है ख़राब, अभी 7 बजे और गाड़ी है 10 बजे के समथिंग, लेकिन पानी का कोई पता नहीं। और गाइस देख सकते हो हम ऑन ड्यूटी करा के डायरेक्ट ट्रेन के अंदर आ गए और काम निपटा रहे हैं। यहाँ पर काम मैंने कर दिया एक कोच का और एक कोच का बाकी है। मैं भी कितना आलसी हूँ देख सकते हो, ये बिस्तर देख सकते हो मेरा, ये बिस्तर कल का है, कल का नहीं है यहाँ शायद परसों का बिस्तर है, यानी कि घर से भी ज़्यादा मैं यहाँ पे वो हूँ, क्या बोलते हैं
अगर घर पे होते ना तो मम्मी मेरा बिस्तर उठा देती, और ये मैंने खुद का ही बिस्तर नहीं उठा। मैं भी किस तरह का इंसान हूँ, ट्रेन में काम करता हूँ तो बेहतर तो 144 लोगों का बिस्तर उठाता हूँ, और इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं मेरा बिस्तर उठा सकूँ। देख सकते हो, अब इसको आज चेंज कर दूंगा, नया बिस्तर लगाऊंगा, उसी पे सोऊंगा। नहीं, आज बाहर नहीं सोने का, आज अंदर सोने का, क्योंकि गाड़ी आज हमारी पूरी खाली है। टोटल मिला के 30 पैसेंजर है, तो आज तो यार गाइस गाड़ी में थोड़ा आराम है, और एंड जो भी तो गाइस आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया। आज का व्लॉग अगर पसंद आया ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। और आज खुशी की बात है कि हमारी ट्रेन में एक नया सुपरवाइजर आया है जो कि अच्छा है, वो हमारा शॉर्टेज नहीं लगने देगा ज़्यादा, तो सैलरी भी हमारे टाइम टाइम पे अब आती रहेगी। जो पहले वाला था वो शॉर्टेज डर देता था, तो जीरो सैलरी, कभी कभी 3 महीने से तो मेरी एक पेमेंट नहीं बन रहा था, सिर्फ अगले महीने मेरा 5,000 बना। और इस बात का हमारे घर वालों को बिल्कुल भी पता नहीं है कि इसका पेमेंट कितना बन रहा नहीं, फिर भी मैं जैसे भी व्यवस्था करके घर पे इतना पैसा भेज देता हूँ ताकि घर वाले संतुष्ट है, हाँ लड़का बाहर है, कुछ कमा रहा है। वो कैसे मैनेज करता हूँ मैं ही जानता हूँ, मैं आपको भी नहीं बता सकता, एक लंबे समय के बाद बताऊंगा। तो ये व्लॉग अगर पसंद आए ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप मेरे वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हो। और प्लीज़ यार चैनल पर नहीं हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बन के सब्सक्राइब तो कर ही दो। और आज मैंने वीडियो शूट किया था सूरत के रेलवे स्टेशन पर, ये वीडियो आप मेरे इंस्टाग्राम के शॉर्ट रील और यूट्यूब के शॉर्ट पर जाकर देखना, और बहुत सारा प्यार दिखाना, काफ़ी अच्छा रिएक्शन था लड़कियों का। और नेक्स्ट पोस्टर में बहुत जल्द लिखने वाला हूँ, उसका रिएक्शन भी लाऊंगा, तब तक के लिए गाइस बाय बाय। तो गाइस क्या बता दूँ आपको, हमारे ज़्यादा काम रहता नहीं है, लेकिन देखो इस दिन है ना, इस दिन काम ज़्यादा रहता है क्योंकि अगली ट्रिप हम जाएंगे ब्रह्मपुर, तो ये माल है ना सब अंदर रखना पड़ता है, इसलिए देखो ये पूरा माल इस कवाट के अंदर जमा देंगे हम ऐसे करके। देखो ये पूरा जैसे कि गिनती, अब जो आएगा ना सुपरवाइजर हमारा काउंट कर लेंगे ऐसे करके 1, 2, 3, 4 ऐसे। तो मेरा बैग रखा इधर, तो देखो पूरा नीचे जमा दिया है, इधर जमा दिया है, अब जो खाली है ना वहाँ पर जमाऊँगा, और इधर खाली है वहाँ पर, और ये खाली है, और पूरा माल ये बचा है, और ये मैंने हमारे लिए और टीटी सर के लिए रख लिया है ताकि ओढ़ के बिछा के हम सो जाएंगे। और इधर भी खाली था पूरा, देखो ये पूरा सीट खाली है, ये सीट खाली है, ये इधर पैसेंजर है, एक इधर है और दो इधर है, और इधर भी एक पैसेंजर यहाँ है, और ये वाला खाली है, ये वाला खाली है, लगभग खाली और भरा ऐसा है। तो गाइस मैं मेरा काम निपटा लें, तब तक के लिए बाय बाय।